देखने के लिए। बस को क्या हो गया भाई, कौन जला दिया भाई। तो हम लोग यहाँ से आए हैं और ये सीट लोग इधर घुस गए थे, तो हिंदी भी लोग जानते हैं यहाँ पे। बिजली बनाया जाता है और पूरा सप्लाई किया जाता है। दिखला रहा हूँ चारों तरफ आप लोगों को, पानी ही पानी देखने को मिलेंगे। ये देखो ये, और ये है मीनार, इसके ऊपर जाना। बाकी में बहुत खूबसूरत ये जगह है गाइस, मैं सिर्फ वीडियो में देखा था। जितने भी बोट्स नजर आ रहे हैं इसका आप आनंद उठा पाएंगे गाइस। देख रहे हो बाल मेरा काफी खड़ा खड़ा हो गया है। और हमारी बाइक यहाँ पर है, हमारी बाइक। और यहाँ से संबलपुर लगभग 15 किलोमीटर और रह गया है। अभी मैं नया ब्लॉग बना रहा हूँ आप सभी के लिए, हीराकुंड डैम का, जो कि काफी रिक्वेस्ट आ रहे थे कि सर संबलपुर अगर आप जा रहे हैं तो हीराकुंड डैम का जरूर ब्लॉग बनाइएगा। तो ठीक है गाइस, आज का ब्लॉग हम स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक हमारे यूट्यूब चैनल ब्लॉग रोल पे। तो यहाँ से अपने को जाना है, लगभग 9 किलोमीटर की दूरी पर है। तो चलिए चलते हैं और आप लोगों को दिखला। तो गाइस यहाँ से हीराकुंड देखो लिखा हुआ है, सिटी आगे साइड में है। तो चलो गाइस 9 किलोमीटर अंदर जाना है अपने को हीराकुंड डैम देखने के लिए। बस को क्या हो गया भाई, कौन जला दिया भाई बस को बुरी तरीके से। ओ भाई अब थोड़ा सा गर्मी महसूस हो रहा है अपने को। सिटी 15 किलोमीटर दूर है, सबसे पहले यही स्थान देखने को मिला अपने को, तो हम लोग यहीं पहले जा रहे हैं। इस साइड में पता नहीं कॉलेज है क्या है, देख रहे हो इतने बड़े बड़े यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं, घर भी आलिशान बना हुआ है एकदम तगड़ा। और ये देखिए यहाँ पे मंदिर, इतना खूबसूरत सा मंदिर है हनुमान जी का। और यहाँ पे सब स्टूडेंट लोग चाय नाश्ता कर रहे हैं। इस तो ये कॉलेज है, ये देखो कितना सुंदर सा कॉलेज बना हुआ है, क्या बात है। काफ़ी सारे स्टूडेंट लोग नज़र आ रहे हैं मुझे तो। यही रूट लेके जाती है हीराकुंड डैम के लिए। और यहाँ पे इस तरह से चौपाटी लगा हुआ है सवेरे से ही, बढ़िया यार ये स्थान। तो फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं हम और ऐसा खूबसूरत सा माहौल देखने को मिल रहा है। सब स्टूडेंट लोग जा रहे हैं, पता नहीं कितने दूर दूर से लोग आते होंगे यहाँ पे पढ़ाई लिखाई करने के लिए, क्योंकि यहाँ की जो इंग्लिश है ना काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है भाई, मानना पड़ेगा यार। हमारे उस साइड भी है लेकिन इस साइड के मुकाबले थोड़ा सा फीका है और हमें भी खुद नहीं आती है क्या ही बोलूँ मैं। और बस वगैरह भी जाती रहती है सामने में, देख रहे हैं बस, तो बस के थ्रू भी आप जा सकते हैं अगर आपके पास में कोई गाड़ी नहीं है। बस चले पड़े हैं अपन आप लोगों को पूरा यहाँ का नज़ारा दिखलाते हुए। चारों तरफ स्टूडेंट, जैसे अपना कल्याण कॉलेज और अपना रुंटा हॉल रहता है ना वैसे यहाँ भी अच्छा खासा माहौल है। अपने को बस इस रोड को फॉलो करते जाते रहना है, कहीं मुड़ना तो है नहीं अपने को फ़िलहाल। कहीं पे मुड़ना हो तो अपन हाँ यहाँ से अपने को राइट लेना है। ये तो कॉलेज है, कॉलेज है क्या है पता नहीं। ये लेके जाता है भाई साहब हीराकुंड डैम के लिए गाइस। तो हम लोग यहाँ से आए हैं और ये सीट लोग इधर घुस गए थे, तो भैया को पूछे तो बताया भैया कि ये वाला रूट लेके जाता है करके। ये देख लो भाई गेट बना के रखे हुए हैं हीराकुंड डैम। ये भाई वाजर काफ़ी ज़्यादा आवाज़ करता है, इसको कितने बार हो गया बनाते हुए लेकिन सही शॉट बन ही नहीं पाता। अब देखते हैं कहाँ से मुड़ना है, फिर उड़िया में लिखा होता है ना तो अपने को ना उतना समझ में नहीं आता भाई, तो मैप भी मैं लगाया नहीं हूँ, भाई को पता है करके। लेकिन भाई भी थोड़ा सा कन्फ्यूज हो गया था क्योंकि ये वाले रूट से वो फर्स्ट टाइम आना जाना कर रहा है। एक और रूट है जो सिटी से जाता है, ये क्या लिखा हुआ है भाई पढ़ लो, ये भी कोई अलग ही शहर लग रहा है। अरे बाप रे बाइक ही बाइक नज़र आ रहे हैं भाई राइट साइड में। क्या है
इस साइड आखिरकार। वैसे तो अपना कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है। ये बाबा गड्ढे ही गड्ढे रहे। ये देखो दुकान लगाए हुए, इस तरह से बहुत सारे यूनिक दुकान देखने को मिलेंगे गाड़ी वाड़ी में। सीधे ही चलना है भैया पुस्थान। तो भाई देखो अपना भाषा में बातचीत किया है, सीधा रूट पर है हम लोग, सीधे ही सीधे आना है, कहीं मुड़ना नहीं है, और वहाँ से कहीं से राइट लेना है ऐसा करके बतलाए हैं। वैसे हिंदी भी लोग जानते हैं यहाँ पे, और ये देखो गन्ना रस मिल जा रहा है यहाँ पे। अच्छा चहल पहल है भाई इस साइड तो। सीधा ही चलना है गाइस। पूड़ी मिल जा रहा है यहाँ पे, अरे भाई पूड़ी देख लालच लग जाता है मुझे तो। ये सारी चीज़ें आप लोगों को दिखला रहा हूँ गाइस, देखिए आप लोग। अरे भाई कहाँ से गाड़ी चला रहा है, और ये मार्केट है हल्का फुल्का, पता नहीं है कौन सा शहर है ये। ओह क्या खुशबू आ रहा भाई, एकदम ज़बरदस्त टाइप का खाने पीने का। पानी टंकी दिख रहा है वहाँ पे, और ऐसा लगेगा ना कि आप कोलकाता में आ गए, उस तरह से पूरा फीलिंग आ रहा है, क्योंकि कोलकाता में एक बार होकर आ चुका हूँ, जब भाई की शादी थी तो उस समय, लेकिन अपन बस में सफ़र किए हुए थे। कोलकाता भी जाने हैं यार, वहाँ के भी अच्छे से घूम कर मस्त मायने भर रह कर अच्छे से व्लॉग शूट करेंगे। और ये यहाँ की सिटी बस है जो चल रही है। ओ दादा इस तरह से जगह जगह पे आपको खाने पीने के स्टॉले देखने को मिलेंगे। का हो रहा बाबू गाइस, तो सामने का पहाड़ देखो, बहुत बड़ा पहाड़ है भाई, बहुत ज़्यादा बड़ा पहाड़ है, और काफ़ी लंबी पहाड़ है ये। और यहाँ पर कुछ है लेकिन खंडर हो गया लग रहा है, कोई आता जाता नहीं है लग रहा है, पता नहीं क्या चीज़ें हैं। अब यहाँ से अपने को राइड लेना है, इस छोर पर जाना है, सीधे ही सीधा आना है, उसके बाद फिर आपको राइट लेना है जहाँ से मैं आप लोगों को बतलाया हूँ, कहीं मुड़ना नहीं है। और यहाँ भी इस तरह से होटल है, देखो होटल, और ये पढ़ लो भाई सेंट्रल करके लिखा हुआ था। और ये देखो पहाड़ नज़दीक से आप लोगों को दिखला रहा हूँ, हम लोग पूरा पहाड़ों से घिरे हुए हैं समझ लो। इस तरह से आपको गेट भी देखने को मिलेंगे, सुंदर सा बना हुआ गेट, और यहाँ पे लिखा हुआ है राइट लेफ्ट वाले रूट पर जाना है। पहाड़ के एकदम नज़दीक आते जा रहे हैं हम लोग, इधर के भी रोड अच्छा खासा बना हुआ है, कहीं कहीं पे बस गड्ढे वगैरह हैं। यहाँ के नज़ारे देखो गाइस आप लोग, हरे भरे पेड़ पौधे, और यहाँ से आप लोगों को हल्का फुल्का डैम देखने को मिलेगा। ये देखो ये है डैम, और अभी हम लोग, अच्छा ये है क्या डैम, यहाँ से एंट्री है। अच्छा यहीं रखना है बाइक, तो गाड़ी हमने वहीं पे पार्क कर दिया है, और अभी हम पैदल पैदल जा रहे हैं। यहाँ पे दो पॉइंट है, एक तो आप नज़दीक से डैम को देख सकते हैं, दूसरा ऊपर में भी आप जा सकते हैं, तो अपन ऊपर भी चलेंगे। फिलहाल यहाँ से डैम का नज़ारा दिखलाते हैं आप सभी को कैसा दिखता है, क्योंकि ये इंडिया का सबसे लंबा डैम है। अच्छा इंडिया का सबसे लंबा डैम, इंडिया का ही नहीं वर्ल्ड का सबसे लंबा डैम है। बताओ भला, अब हम यहाँ पर पहुँचे हुए हैं आप लोगों को दिखलाने के लिए, और एक सौ कितना गेट है, आई थिंक मेरे हिसाब से 108 कुछ गेट है, और इस बरसात ना लगभग 64 गेट यहाँ पे खुला हुआ था। देखो कितना बड़ा डैम है, और ये जो डैम है छत्तीसगढ़ से लगा हुआ है ना। हाँ ये छत्तीसगढ़ से ही आता है, ये महानदी का सोर्सेस है, यहाँ पे रिजर्वायर है जिसको हीराकुड डैम के नाम से,
और यहाँ पे जो है बिजली का उत्पादन भी होता है, वो अगर पॉसिबल हुआ ना तो आप सभी को दिखाएंगे। लेकिन अभी गेट का कंफर्म करेंगे कि कितना गेट है, एग्जैक्ट मेरे को भी मालूम नहीं है। हाँ। लेकिन थोड़े देर में कंफर्म हो जाएंगे, काउंट करके बताएंगे कितना है। काउंट तो नहीं कर पाएंगे लेकिन लिखा होगा, वो मेंशन होगा, वो दिखाएंगे आपको जरूर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये वाले रास्ते से अपन जा रहे हैं, ये देख सकते हैं इस तरह से पूरा रास्ता बना हुआ है, लेकिन गाड़ी अंदर लाने नहीं दिया जाता है। और ये डैम का नज़ारा है, देखो इस साइड में पूरा सूखा पड़ा हुआ है। जैसे कि भाई बतलाया कि यहाँ पे बिजली भी बनता है, तो ये देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से यहाँ का पूरा खम्बे दिख रहे हैं बिजली के, और ये गेट वगैरह हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं और पूरा नज़ारा दिखलाएंगे। देखो गाइस, और नज़दीक से आप लोगों को दिखला रहा हूँ, यहाँ पे बिजली बनाया जाता है और पूरा सप्लाई किया जाता है। इस तो यहाँ पे देखो गमले में एक से एक पौधे लगे हुए हैं यहाँ पे, जो देखने में बहुत प्यारे लग रहे हैं। इस साइड भी आप बैठ सकते हैं, बैठने की भी अच्छी व्यवस्था है क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है इस साइड। और आप लोगों को आगे बढ़ के दिखलाते हैं, यहाँ पे पानी की भी व्यवस्था है। और ये कुछ बना हुआ है, पता नहीं कैंटीन है कि क्या है, जो भी और ये स्तंभ जैसा बना हुआ ये देखने योग्य है। और हम आप लोगों को दिखलाने वाले हैं, ये देखिए गाइस डैम का पूरा नज़ारा आप लोगों को मैं दिखला रहा हूँ। चारों तरफ आप लोगों को पानी ही पानी देखने को मिलेंगे, और यहाँ पर फूल के पौधे भी हैं। पूरा यहाँ का दृश्य बहुत लंबा डैम है, बहुत लंबा डैम। गाइस तो यहाँ पे उड़िया में बात कर रहे तो अपने को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और यहाँ पे 98 गेट है, हम लोग 108 के आसपास बोल रहे थे ना, तो गलत है वो। और अभी हम लोग जा रहे हैं मीनार, और जहाँ पे बोटिंग होता है वो जगह पे, तो अपने रिटर्न हो रहे हैं हम लोग और बाइक लेके फिर अपन चलेंगे। काफ़ी बड़ा ये डैम बना हुआ है, घूमते घूमते 2 से 2.5 घंटे लग जाएंगे आप लोगों को। चलते हैं आगे। गाइस तो अब यहाँ पे हम ऊपर जाने वाले हैं। चलो बाबा, पूरा घूम घूम कर आप लोगों को हम दिखला रहे हैं हीराकुंड डैम के ऊपर जाने हैं अपने को। जगह भाई बेहतरीन जगह है, देख रहे हरे भरे पेड़ पौधे, पूरे एरिया में डैम है। इधर जाना है अपने को, मीनार के पास में आ गए हम लोग। अशोक निवास वहाँ पर है गाइस, अशोक निवास। और ये देखिए ये है मीनार, और इसको भी काफ़ी सुंदर सा बनाया हुआ है। और गाड़ी हमने यहीं पे पार्क कर दिया है, आप भी यहाँ कहीं भी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। और चलो अपन चलते हैं, वहाँ पे खाने पीने के स्टॉल भी है। गाइस आपको ये धुंधला धुंधला नज़र आ रहा है ना, ये पूरा पानी है डैम का, और गाड़ी हमने यहीं पर पार्क किया हुआ है। और हमें जाना है यहाँ, ये देखो ये मीनार है, इसके ऊपर जाने हैं। और यहाँ पे लंगूर भी है काफ़ी सारे जो देखने को मिल रहे हैं, और यहाँ पे चाय कॉफ़ी स्नैक वगैरह मिल जाएंगे खाने पीने के। तो चलते हैं हम इस साइड, यहाँ पे टिकट सिस्टम है, सामने में टिकट काउंटर, 2 रुपये का टिकट है एक व्यक्ति का, तो हमने दे दिया टिकट। और ये देखो मीनार है, यहाँ पे खुला होना चाहिए भाई, नहीं तो फिर 2 रुपये भी व्यर्थ चले जाएंगे। बाकी काफ़ी सुंदर सा बना हुआ है, जहाँ पे आप कुछ समय अपने फैमिली के साथ दोस्तों के साथ बिता सकते हैं। झूले वगैरह भी है बच्चे लोगों के लिए। और इधर चलते हैं, देखो कितना सुंदर सा यहाँ पे बना हुआ है, जहाँ पे आप कुछ समय बिता सकते हैं, बैठ सकते हैं, और झूले वगैरह भी है बच्चे लोगों के लिए। देन ये देखो ये, और ये है मीनार, इसके ऊपर जाना अपने को, और ऊपर से पूरा नज़ारा देखेंगे कैसा नज़ारा देखने को मिलता है। और इस साइड भी चेयर है बैठने के लिए। चलते जाते हैं हम लोग। अच्छा यहाँ से घुसना बाबा, ये देखो मीनार के लिए इस तरह से बना हुआ है। एक बारी यहाँ से नज़ारा देखते हैं। अच्छा यहाँ पे मंकी है काला वाला, और एक नज़ारा यहाँ से देख लो, कुछ इस तरह से दिखता है, बंदर है। अभी हम लोगों को और ऊपर जा रहा है सबसे टॉप में, चलते हैं। फाइनली हम लोग सबसे टॉप में आ गए हैं, वो देख रहे हो इस तरह से आना जाना है, बैग वगैरह भी बन नहीं रहा है। तो भाई
यहाँ से नज़ारा देखते हैं। गाइस तो सनी देओल पर आ चुके हैं और यहाँ से नज़ारा आप लोगों को दिखाता हूँ मैं। ये देखो भाई, हीराकुंड डैम का नज़ारा मेरे पीछे साइड में, काफ़ी ज़बरदस्त ये डैम है और चारों तरफ आप लोगों को पानी देखने को मिलेंगे। ये देखो, आप लोगों को पूरा घूम कर दिखलाता हूँ मैं। गाइस तो देखो कितना शांत है और कितना खूबसूरत है। अभी हम आप लोगों को पूरा नीचे से नज़ारा दिखला रहे थे कि यहाँ पे बिजली बनता करके, और यहाँ से खड़े होके आप लोगों को नज़ारा दिखला रहे थे। हालांकि नीचे से फोटोग्राफी करना अलाउ नहीं है, लेकिन आप ऊपर से इस नज़ारे को निहार सकते हैं। एक बारी मैं आप लोगों को घूम कर दिखलाता हूँ। ये देखो, एक टापू जैसा यहाँ पे बना हुआ है डैम के किनारे, और इस साइड भी देखो आप लोग, मतलब कि चारों तरफ आप लोगों को पानी ही पानी देखने को मिलेंगे। इतना बड़ा ये डैम है हीराकुंड, इसलिए बहुत ज़्यादा फेमस है उड़ीसा में, उड़ीसा क्या पूरे भारत में। तो कैसा लग रहा है ये नज़ारा, कमेंट करके बताइए आप लोग। और अभी ये नज़ारे तो मैंने आप लोगों को दिखला दिया, अभी इस छोर पर चलते हैं। और बैग वगैरह हमने यहीं पर रख दिया है, ये देखो हमारा बैग हेलमेट सब यहीं पर रख दिए हैं। और ये आप लोगों को रोड नज़र आ रहा होगा, ये देखो इसी रोड से अपन आए हैं। और ये किसी का पता नहीं विलेज है, होटल है, और यहाँ से भी नज़ारा देखो आप लोग। और यहाँ पे बोटिंग चल रहा है, ये नज़र आ रहा होगा आप लोगों को। तो बोटिंग जाने के लिए नीचे उतरना पड़ेगा को यहाँ पे, तो देखते हैं बोट का क्या चार्जेस है, कितना समय तक घुमाएंगे। लेकिन वाकई में बहुत खूबसूरत ये जगह है गाइस, मैं सिर्फ वीडियो में देखा था और आज रियल में इस जगह पे हूँ। मैं अपने आप को कुछ नसीब समझता हूँ कि मैं यूट्यूब वीडियो बनाता हूँ, उसकी वजह से मैं कहाँ कहाँ मैं घूम पा रहा हूँ। नहीं तो अगर मैं जॉब करता ना तो ये जितने भी जगह हैं शायद मैं नहीं देख पाता। तो यूट्यूब को थैंक्स है, वो कभी थैंक्स है कि आपने यूट्यूब पे मुझे सपोर्ट किया, तब जाकर उसी के पैसे से मैं ये सब जगह मैं घूम पा रहा हूँ, अपने आँखों से देख पा रहा हूँ। बहुत ज़बरदस्त जगह है, आप लोग भी आइएगा कभी भी प्लानिंग करके। तो अभी हम नीचे आ गए हैं, चलते हैं बोटिंग एरिया की ओर, अपने को बाइक लेकर नीचे उतरना पड़ेगा। तो अभी मीनार से हम लोग निकल रहे हैं, यहाँ पर बोटिंग होता है, वहाँ चलते हैं और आप लोगों को दिखलाते हैं। अपन भी बोटिंग करेंगे और ये सब जगह घूमने में आप देख ही रहे, हम लोग कम से कम 1.5 घंटे से ज़्यादा हो चुका है, क्योंकि जगह ही ऐसा है से जाने का मन ही नहीं कर रहा। और पता नहीं कहाँ कब मौका मिलेगा दोबारा यहाँ आने का। और इस तरह से जंगल झाड़ी है चारों तरफ, जब बाइक में रहो ना तो मस्त ठंडा ठंडा हवा लगता है, और एक जगह कहीं रुक जाओ तो ये गर्मी लगती है। ठंड यार, दिसंबर चल रहा है यहाँ पर, ठंड ही नहीं है ना छत्तीसगढ़ में ना उड़ीसा में। तो ये देखो, यहाँ से अपने को नीचे उतरना है। हम लोग जब स्टार्टिंग में चढ़े थे तो ऊपर से ही चढ़ कर गए हुए थे, हम लोग नीचे उतर रहे हैं। ए क्या हो गया भाई, कितने लोग को। तो यहाँ पे आप लोगों को वो गाड़ी पार्क करना पड़ेगा, उससे गाड़ी नीचे भी जा रही है तो नीचे ले चलते हैं। अच्छा मंदिर भी है, चलो मंदिर तरफ पहले चलते हैं। और ये भाई साहब कुछ क्या चीज़ें बेच रहे हैं, जो मंदिर में दर्शन कर लेते हैं हम लोग। गाइस तो यहाँ पे काफ़ी लोग आए हुए हैं, लेकिन मंदिर तो फ़िलहाल बंद है और भीड़ है, वहाँ पे कुछ कार्यक्रम चल रहे हैं, तो अपन तो उधर नहीं जाएंगे क्योंकि अपने पास में वक्त की कमी है। हम लोग डायरेक्ट चलते हैं बोटिंग एरिया, और मंदिर अभी बंद है तो फिर दर्शन भी नहीं करा पाएंगे आप सभी को। और ये चीज़ जानना मुझे, ये क्या चीज़ है जो लेके घूम रहे हैं। यहाँ पे भी आपको चटर पटर खाने को मिलेंगे। और ये डैम, ये देखो नज़ारे। वो यहाँ बोर्ड पे पूरा मेंशन है यहाँ पे क्या क्या एक्टिविटी होती है, और इतने सारे लोग वापस भी जा रहे हैं घूम फिर कर। यही है ये जगह जहाँ पे बोटिंग वगैरह होता है। देखते हैं क्या क्या चार्जेस हैं बोटिंग के। सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ का टिकट प्राइस क्या है वो दिखला देता हूँ। ये देख लो, यहाँ पे पूरा मेंशन किया हुआ है क्या क्या चार्जेस हैं, सबका चार्जेस आपको नज़र आ रहा होगा।
तो अभी हम लोग अंदर चलते हैं और मैं ये 200 रुपये वाला करूँगा, ये जो नज़र आ रहे होंगे आपको, इसको करते हैं। तो यहाँ पे बोटिंग का चार्जेस आप लोगों को मैं दिखा दिया, लेकिन जो मिनट है वो थोड़ा सा कम कर दिए हैं। पे जितने भी बोट्स नज़र आ रहे हैं इसका आप आनंद उठा पाएंगे। तो अभी हम वेट कर रहे थे, लेकिन अभी क्या है कि लोग कम है ना, तो फिर सबका अपने को पैसा देना पड़ेगा। इस टाइप का सिस्टम है, अपन दो लोग हैं लेकिन तीन लोग का पैसा देना पड़ेगा, इसलिए हम नहीं जा पा रहे हैं। फिर कभी आएंगे तो अपन जाएंगे। तो हीराकुंड डैम आपको ब्लॉग कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा, और यहाँ का जो लैंग्वेज है अपने को समझ में नहीं आता है। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं बहुत जल्द एक नया ब्लॉग।